जैसे मान के चलिए बंगाल में चुनाव होना, वो दिल्ली में बैठा है, फोन करेगा सारे डीएम लोग, आए डीएम लोग कहीं धांधली नहीं होना चाहिए, अगर धांधली हो गया तो डीएम तुमको सस्पेंड कर देगा। ये इनका इतना पावर होता है कि जिस एरिया में चुनाव हो रहा है उस एरिया का हर एक डिपार्टमेंट को ये आदेश दे सकते हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, टीचिंग डिपार्टमेंट हो, किसी को भी आदेश दे सकते हैं और डिप्यूट करके भेज सकते हैं। कोई टीचर है उसको कह देंगे इसको छुट्टी दीजिए, राज्य सरकार से कहेंगे, ममता बनर्जी की सरकार है ना, ममता कहेंगे टीचर है छुट्टी दीजिए, इसको भेज दीजिए सियाही पोतेगा जाके, वहाँ लगा रहे सियाही लगाओ, वहाँ सियाही लगाना पड़ेगा आपको जाके, कहीं से कहीं भेज देगा, किसी को सस्पेंड कर सकता है, किसी का ट्रांसफर कर देता है। इसलिए चुनाव से 2 महीना पहले पूरा तरह से कमांड कौन ले लेता है, चुनाव आयोग कमांड ले लेती है, और जितने डीएम एसपी ये थे इनका ट्रांसफर अपनी इच्छा सुन कर देती है। जैसे मान लीजिए कोई पटना का है, उठा के भेज देगा भागलपुर, कोई कहीं का, मतलब खरमंडल मचा के रख देता है। यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट हर चीज, मुख्यमंत्री राज्यपाल किसी काम के नहीं रह जाते हैं, जब आचार संहिता लग जाती है तो सारा का सारा पावर कौन ले लेता है, ये चुनाव आयोग ले लेती है। और इस दौरान कोई नेता चों चाय नहीं करता है, क्योंकि नेताओं के पास से पावर खत्म, और उस समय पुलिस का डंडा दिखता है। हमारे यहाँ हमारे हिसाब से लगता है तो हिंदुस्तान में नेता बनने का एक ही काम है, विकास भाड़ में गया, सोचो आप थाना मैनेज करो, कोई मार किया थाना में फोन कर, उनके ऊपर इतना प्रेशर रहता है कि बेचारे काम नहीं कर पाते। और हमें और आपको लगता है कि पुलिस वाले मतलब क्या है, मतलब बिगड़ गए, उनको पता है यार पैसा लेके छोड़ो नहीं तो नेताजी का फोन आएगा। तो अब आप बताइए आप क्या कर सकते हैं, मजबूर कर दिया गया उन लोग को, तनी ये नेता लोग जज साहब को तनी फोन करे तो सोचा जेल में डाल देगा जज, तुरंत डाल देगा जेल में, लेकिन ये तुरंत थाना में फोन कर देते हैं। तो इनके पास बहुत सारा पावर होता है। यूपी में जब चुनाव था ना, तो मायावती जी ने कुछ ऐसा वर्ड बोल दिया था जिससे कि वो अपनी जाति के लोगों को अपनी ओर खींच सके, मतलब कुछ ऐसे वर्ड का इस्तेमाल कर दिया था। तो चुनाव आयोग ने कहा था कि आप 3 दिन तक प्रचार नहीं कर सकते। अब बताइए चुनाव के 10 दिन पहले किसी को कह दीजिएगा कि तुम 3 दिन तक प्रचार नहीं कर सकते हो। बेचारी मायावती जी का 20 जगह जो था, 20-22 जगह पे क्या हुआ, प्रोग्राम कैंसिल हो गया। इन लोग का तो पहले से प्रोग्राम रहता है, आज यहाँ 2 बजे, यहाँ 3 बजे, यहाँ 1 महीना पहले से प्लान इन लोग का फिक्स रहता है, अचानक नहीं बनता है। कह दिया 3 दिन तक आप कोई प्रचार नहीं कर सकती है। मजाल इनका जो प्रचार कर दे, अगर ये गलती से भी प्रचार कर देती ना तो इनका प्रचार रद्द कर देता कि भाई तू ये मेरी चुनाव में नहीं लड़ी, चुप चुनाव आयोग बोल दिया। एक और एग्जांपल, योगी आदित्यनाथ अपने बयान से काफी कंट्रोवर्सी में रहते हैं, उन्होंने कुछ बयान दिया था, अब क्या बयान दिया था हमको याद नहीं, हमको मेन आपको पढ़ाना था इसलिए हम बता रहे हैं। तो उनके किसी बात पे विवाद हो गया था, अब क्या बयान था कौन जानता है, चुनाव आयोग के पास शिकायत गई कि भाई इनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। चुनाव आयोग ने कहा हाँ ऐसा बयान नहीं देना, उनको कह दिया आप भी 2 दिन चुनाव नहीं लड़ सकते। उनका कोई मैटर था, 2 दिन जो जो योगी जी जो हैं अपने बोल्ड एक्शन की वजह से जाने जाते हैं, देखते माफियाओं का घर तोड़वा देते, विकास दुबे किया था तो इनकाउंटर करा दिए, सबको पता था, मतलब समझ रहे ना, हाँ इनकाउंटर, लेकिन मजाल क्या 2 दिन बोल दिए, एकदम भयानक इतना पावर होता है। ये अगर इसका मूड खत्म, नरेंद्र मोदी जी को कह देगा कि अब अगर मान के चलिए उल्टा सीधा भाषण दिए, सपोज किया, हालांकि मोदी जी में एक चीज होता है कि उनका भाषण बहुत संयमित रहता है, संयमित भाषण देते हैं जब वो मंच पर भाषण देते हैं, तो कभी कभी सबसे जबान फिसल जाता है। जैसे कैसे बोल दिए थे कि बादल के पीछे जहाज छुप सकता है, नहीं छुप सकता है, वो तो रडार देख लेता है। तो भाई गलतियां सबसे होती है, वो नहीं कर रहे। अगर उन्होंने भी कुछ उल्टा सीधा भाषण दे दिया सपोज कीजिए, तो चुनाव आयोग को पसंद नहीं आया, चुनाव आयोग कह देगा कि आप 4 दिन तक भाषण नहीं दे सकते। तो ये कहेंगे अरे तू कौन ची होता है, हमारी सिफारिश में तेरा नियुक्ति किए हैं, हम बोलेंगे, जहां बोल देंगे तो उनका पर्चा रद्द कर देगा। क्योंकि चुनाव लड़ने से पहले प्रधानमंत्री तक को, प्रधानमंत्री को अपने जहां के डीएम के पास जाना होता है। सोचिए मोदी जी भी बनारस के डीएम के पास जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपनी कुर्सी पे बैठा रहता है, प्रधानमंत्री जाके उसको नमस्ते करते हैं और अपना पर्चा उसको देते हैं कि सर जी ये हमको पर्चा भरने, हमको चुनाव लड़ने दीजिए, देख लीजिए हमारा इतना संपत्ति है, हमारा इतना आयु है, हमारी योग्यता ये है, हम ये करेंगे, हमारी कोई गलती काम नहीं किया, हमारे ऊपर कोई मर्डर ऑर्डर का चार्ज नहीं, हम बहुत शरीफ आदमी, ये लीजिए। तो डीएम उसको देखता है और जब साइन करता है ना, तब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लायक हो जाते हैं कहाँ से, बनारस से चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन अगर ऐठ जाइएगा रद्द कर दिया तो पर्चा भरने का डेट 20 दिन होता है, मान लीजिए कि 19वां दिन रद्द कर दिया तो जस्ट जा काम से खत्म।
इतना पावर होता है चुनाव आयोग के पास, सोच सकते हो, इतना जबरदस्त पावर। तो आप भी पढ़ाई लिखाई कीजिए, पोस्ट में बनिए। सोचिए एक डीएम जब होता है अपनी कुर्सी पे बैठा रहता है, उसके सामने प्रधानमंत्री 5 मिनट तक खड़े रहते हैं, कोई बॉडीगार्ड वॉडीगार्ड नहीं, डीएम के ऑफिस में बड़का एनर्जी कमांडो सब बाहर, सब कमांडो तमांडो बाहर, वहां कौन बैठा है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यूपीएससी, समझ में गया, बैठा है। और वहां पे कोई मोदी जी का कोई गार्ड नहीं, वहां खुद बैठा है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जिला के मालिक के पास है। और लोग कहते हैं कि पढ़ के कोई राजा बनोगे, अरे तू नहीं, तुमको ही राजा से कम लग रहा है, मतलब हद है यार। अब राजा से कम लग रहा है कि प्रधानमंत्री 5 मिनट खड़े रहते हैं और फाइल पढ़ रहा होता है, यहाँ पे फाइल करके साइन कर दे देता है। हाँ वो अलग बात है कि भैया प्रधानमंत्री की इज्जत तो सब लोग करते हैं, लेकिन बात यहाँ ये ईगो की नहीं है, बात समझिएगा। आप में से कुछ लोग कहेंगे घमंड, ईगो की नहीं है, ईगो तो दिमाग से निकालिएगा, वरना डीएम तो किस डेकची का मसाला है यार। ईगो ने तो रावण को नाश कर दिया, रावण को नाश कर दिया था ईगो ने, वरना रावण के पास बताइए ना कमी किस चीज की थी, केवल घमंड ज्यादा था, बहुत ज्यादा घमंड था, हम सब कुछ कर सकते, दिक्कत हो गया, चलो छोड़ो यहाँ पे। तो ये पावर होता है डीएम के पास। तो चुनाव आयोग का सोचिए, आपको लग रहा होगा यहाँ पर कि भैया चुनाव आयोग जो है ये क्या कर लेगा, 3 गो आदमी है, यहाँ ये है, यहाँ ये है। बबुआ एक बात बताओ, तुम इन सबों का पावर तो छोड़ ही दो, इन सबों का पावर छोड़ दो, तुम बस इसका पावर देख लो डीएम का क्या है, कि कुर्सी नहीं देता है प्रधानमंत्री को बैठने के लिए, केवल तब, हमेशा नहीं, केवल तब जब ये चुनाव का पर्चा भराने आते हैं तब खड़ा रहते हैं लेके चुपचाप, और जब दे देता है तो चले आते हैं। आप YouTube पर वीडियो देख लीजिएगा मोदी जी का, जब वो पर्चा भरने गए होंगे, तो हमारी बात मत मानिए, आप YouTube पर वीडियो देखिएगा मोदी जी कब चुनाव में गए, वो अच्छे से इज्जत करते हैं। यार भारत में इस सब में तो कोई दिक्कत नहीं, सब करता है, मेरा कहने का सेंस है पावर देखो। तो समझ में आ गया डीएम कि चुनाव के टाइम पे किसी का ट्रांसफर कर देता है, किसी को सस्पेंड कर देता है, कोई नेता टांग नहीं लड़ाता है, कोई नेता टांग नहीं। जैसे मान के चलिए आप दरोगा हैं, क्या हैं दरोगा हैं, अब नियम है कि 10 गो गाड़ी घूमेगी, 10 ठो गाड़ी में आप प्रचार कर सकते हैं, 10 ठो गाड़ी में प्रचार कर सकते हैं। कोनो विधायक जी हैं वो 11 गो गाड़ी लेके घूम रहे हैं, तो आप दरोगा हैं, आप कह देंगे कि तोरा 10 गो गाड़ी लेके जाना है, गाड़ी का नंबर ये है, तुमने बताया था, ये कौन गाड़ी है रे, एक्स्ट्रा है। तो दरोगा कह गए, विधायक कह गए, दरोगा इधर कुत्ता है, 11 गो गाड़ी है लेके चलेंगे, क्या कर लेगा? दरोगा कह गए ठीक है जाइए। तुरंत फोन लगाएगा डीएम के पास, चुनाव आयोग के पास, उसका जो अधिकारी जो डीएम के पास या वहाँ जो बैठा है, चूरम साहब ये एक्स्ट्रा गाड़ी लेके घूम रहा है, कौन है? विधायक है, बुला के लाओ। डीएम आके पर्चे रद्द कर देगा, जो अगली बार चुनाव लड़ना तो अगली बार चुनाव लड़, जीतने का तो सवाल ही नहीं होता, अगली बार चुनाव लड़। इतना भयानक पावर होता है, इसलिए देखते होंगे जब आचार संहिता लगता है ना, तो जितने अधिकारी होते हैं सब गाली सुने रहते हैं, उस ससुरा खोज खोज के बदला लेता है, आओ आओ यहाँ पर। तो सोचिए ये सरकार वाले जानबूझकर पुलिस को, डीएम को, अधिकारी को दबा के रखते हैं, समझ में आ गया कि नहीं? हमारे हिसाब से 10 साल तक आचार संहिता लगा के छोड़ दो, 10 साल में आचार संहिता लगाओगे ना सब सुधर जाएगा। आप क्या इस बात से सहमत है? 10 साल तक आचार संहिता लगा दो, आपको क्या लगता है, लगा देना चाहिए या नहीं? मेरी आप बताइए।